ये हर पाल जो अब इस दुनिया में नहीं। रोते बिलखते परिवार के लोगों का आरोप है कि एनडीएमसी के अधिकारी हरपाल को हमेशा परेशान किया करते थे, यहाँ तक कि रेलवे ट्रैक पर पड़े मैल को भी साफ कराते थे। हरपाल घर से लगभग 2 बजे अपनी कार से ऑफिस जाने के लिए निकले थे और वहीं ऑफिस में ही हरपाल ने जहर खा लिया और फिर अपनी कार को चलाते हुए चाणक्यपुर स्थित प्राइम्स अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टरों ने हालत को देखते हुए उनसे कारण पूछा, तब तक उनकी हालत खराब होने लगी। फिर वहीं पर एक सुसाइड नोट लिखा जिसमें अपने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। उसके बाद हरपाल ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। मैसेज भेज देना सुबेरे लेबर को, वहाँ लगाना। वो बेचारे सुबह ही फोन कर सबको जल्दी आ जाना, और फिर चेयरमैन नहीं आया, कोई नहीं आया। वो तो हार मानने वाला आदमी था ही नहीं, तो पता नहीं क्या हुआ। वो तो सब आदमियों में बोलने वाला आदमी था, यहाँ सारे बता देंगे आपको, किसी से नहीं डरते थे वो। तो वहीं अब हरपाल के बेटे और उनके साथ काम करने वाले कर्मचारी भी एनडीएमसी के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बेटे के मुताबिक उनके पिता काफी वक्त से, खासकर ऑफिस से आने के बाद, काफी डिप्रेशन में रहते थे और नौकरी से रिजाइन देने की बात किया करते थे। बेटे ने अपने पिता की मौत पर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस कितनी जल्द इस सुसाइड की गुत्थी को सुलझा पाती है। राकेश सोनी, टोटल न्यूज़, दिल्ली।